I am Dr. Sharda Jain. As a teacher and as health crusader, my job is to tell my country people, policy makers, what is the bad news for which the action has to get started. When we got independence, people used to die earlier than 50 years. In today's time, a longevity has increased by almost 25 years. It means we are living longer than our parents. That's the truth. We are more healthy. More heart disease, more hypertension, more cancers are diagnosed. But still, we find that the deaths because of them are decreasing. But that's not the good news as far as our next generation is concerned. The next generation has acquired bad lifestyle, all Western. No exercise, and the food is not natural at all. जो बड़े घर के लेते थे वो बिल्कुल खाते नहीं है. Principle of a diet is आप जो fruits हैं, जो vegetables आप raw खा सकते हैं, दालों को आपने sprouts करके लेना है, थोड़े से nuts खाने हैं, थोड़े से सीड्स खाने हैं, और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको अपने डाइट में लेना ही लेना है. और खाना जो है आपने या तो दो मील्स में खाएं, सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम को 5:30 बजे तक खाना खत्म हो जाना चाहिए. पूरी दुनिया इसको फॉलो करने लग गई है, पर हिंदुस्तानियों का कोई समय नहीं है. 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात कुछ भी तो हल्दी खाना नहीं खाते, बॉडी को जरा सा हिलाना भी नहीं करते, भाग रहे. स्ट्रेस प्लस 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 है उनकी लाइफ में. इसके कारण उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी deaths because of this are going to increase, because they have got motapa, they have got hypertension, and they have got diabetes, they have got fatty liver. This bomb of metabolic syndrome is going to kill them early. They must wake up. देखा गया है कि जो बच्चे लो बर्थ वेट के पैदा होते हैं उनको 5 गुना प्रॉब्लम्स होंगी, कि उनको मोटापा होगा ओल्ड एज एडल्ट लाइफ में, डायबिटीज होगी और हार्ट डिजीज होगी. जो लार्ज फॉर डेट बच्चे होते हैं उनको भी वही प्रॉब्लम होती है जो मोटे बच्चे होते हैं. दूसरी चीज, मैं जिस अंडे से बनी हूं, मेरी मां जब नानी के पेट में थी उस टाइम जो उनकी ओवरीज थी वहां पर मेरे एग का आइडेंटिफिकेशन हुआ है. इसका मतलब मेरी नानी ने जो खाना खाया है वो मुझे असर कर रहा है. तो ये इंटरजेनरेशनल इफेक्ट आता है जेनरेशन में, ये बात हमें पता होनी चाहिए. तीसरी चीज जो है, जब मैं कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी 60s में, तो 100 लोगों में एक को डायबिटीज होती, कोई नाम ही नहीं था इसका, गांव में तो कोई जानते ही नहीं थे. 90 में आके 50 में एक को होने लगी, 2020 में 3 में 1 को है, और 10-15 साल छोड़ दीजिए तो हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज और मोटापा होगा, फैटी लिवर. सो वेक अप,
वेर आर यू गोइंग? अपनी हेल्थ पर ध्यान करिए, ये रिवर्स हो सकता है। वी हैव द कीज, जल्दी मत मरिए। मैंने आपको बताया है, आइए अपने हाई रिस्क फैक्टर जानिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, उस पर पैसा लगाइए और फिर चीजें सीखिए जिससे कि आपकी डायबिटीज, आपका मोटापा, आपका फैटी लिवर सब उल्टा हो जाए। सुनना जरूरी है। आप जब तक नहीं सोचेंगे कि हमें हेल्दी होना है, कुछ नहीं होगा।